कोर्स को आ रहा है इम्पोर्टेंट 15 तारीख को आ रहा है और तीस ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज पैसा भी बहुत जरूरी सारे नेबर्स गिफ्ट देने आ जाते हैं ये कोई नया है और तुम्हें फिर वापस नहीं देने हो दर बात कुछ ऐसी है कि कुछ समय पहले हमारे एक दोस्त चले गए थे जापान। अब जापान जाके उन्होंने क्या किया वो तो तुम लोग जानते ही होगे। बट अब वो कुछ दिन पहले आए थे वापस इंडिया तो हमसे मिलना तो यार बनता ही था। तो अब बस मेरे से मिलने नहीं हमारे साथ कुछ और लोग भी थे उन सब से मिलने का एक हमने प्लान बनाया। अब प्लान में कौन कौन था उन सब के बारे में तो मैं बताता हूँ। बट सबसे पहले तुम्हारा भाई, उसके अलावा यार अजय भैया को तो तुम लोग जानते ही होगे, नहीं जानते हो तो बेस्ट सिनेमाटोग्राफर दिल्ली में जिसको हम जानते हैं, इतनी मस्त वीडियोस तो कोई बनाता ही नहीं है। उसके बाद यश भैया, अगर तुम यश भैया के चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो जिंदगी में। तुमने कभी ना कभी यश को ज़रूर देखा होगा जब तुम कॉलेज चूज़ कर रहे थे या फिर तुम अपने 12th क्लास में इंग्लिश पढ़ रहे थे। और यार यश भैया के अभी रिसेंटली 100K भी हुए हैं तो यश भैया कंग्रेचुलेशन ज़रूर लिख देना कमेंट सेक्शन में जाके, काफ़ी मज़ा आ जाएगा। नहीं किया सब्सक्राइब तो जाके तुमको भी ज़रूर कर लेना। एंड फाइनली यार हमारे हरमन भैया, ठीक है हरमन भैया के अदा के तो तुम फैन हो गए इंस्टाग्राम पर, उनको जरूर तुमने फॉलो कर रखा होगा। अब इसके अलावा एक स्पेशल एंट्री, दो स्पेशल एंट्री और थी हमारी, ठीक है। एक हमारे संचित भाई, अगर तुम पहले से हमें फॉलो कर रहे हो तो हम जो ब्लॉग्स वगैरह में तुमने एक देखा होगा हमारे डोरेमोन भाई वो भी आ गए थे। एंड फाइनली तुम्हारे संकेत भैया यार नहीं जानते तो AKA गूगल अनअकैडमी और GSOC और पता नहीं क्या क्या, अगर मैं लिस्ट लिखने लग जाऊँ तो अचीवमेंट्स ख़त्म ही नहीं होने वाली हैं। तो इन सब का प्लान बनता है और हम जाते हैं CP। अब देखो CP में जाके क्या करते हैं। ध्यान से देखिए इस आदमी को। हाय हाय हाय। और कैसा ब्रो? बढ़िया। यस। अब CP में जाके हम क्या करते हैं यार, पहले तो जगह ढूंढते हैं। जगह हमें कोई मिल नहीं रही होती क्योंकि सारी जगह फुल होती है। फिर हमें एक मिलती है लोकल सी जगह जिसका नाम है लोकल। अब वहां जाके हमने क्या डिसाइड किया यार, कुछ ना कुछ करते हैं, खाते पीते हैं। बीच में हरमन भाई अपना कैमरा बड़ा वाला ला रखा था, वो थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स ले रहे थे। उसके बाद एकदम से काफ़ी सारे लोग आए, उनको पकड़ लिया, कहते यार हमारी भी फ़ोटो ले दो। तो भाई जब तक हम अंदर बैठ रहे थे हरमन भाई सबकी फ़ोटो वोटो लेके आए और फिर तो हमने उनके मस्त मज़े लिए। तो तभी कुछ नहीं हुआ भाई, बिग शॉट्स ले रहा था मैं। शॉट्स ले रहे थे किसी और के? शॉट्स ले रहे थे भाई, बाहर खड़े होके छोटे छोटे लिटिल लिटिल किसी और के शॉट्स ले रहा था, है ना? कैमरा देखा उन्होंने, चलो कोई नहीं। पहले पहले रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कैसे हो सर? अजय सर कैसे हो? सर मैं घर में वीडियो बना लेता हूं। अरे मैं आपकी साइबर के साथ वीडियो देख रहा था, आप एक मिनट बता रहे थे, वो परेशान हो गए। अरे भाई रुक जाओ यार, रुक जाओ, कमेंट में लिख रहे थे एक ही जन्म की है, एक ही तरह के जन्म की पढ़ा था मैंने, बहुत अच्छा था। तुम कहीं नया रहने जाते हो, सारे नेबर्स गिफ्ट देने आ जाते हैं कि कोई नया है, और तुम्हें फिर वापस भी देने होते हैं। कहीं तुम किसी ट्रिप से आते हो, तुम्हें कुछ ना कुछ लेके आना ही आना है। तुम खाली हाथ आ गए तो क्या ले जा रहे हो फिर इंडिया से? मैं तो सोच रहा हूँ कुछ भगवान की मूर्ति दे दूँ, उनको भी बदल ही दे थोड़ा। और भाई डेडिकेशन अगर तुम्हें सीखनी है ना तो एक बंदे से सीख सकते हो, उसका नाम है अजय राज, ठीक है। हमारे साथ अजय आया, ठीक है। मेरी डेडिकेशन इतनी कम है कि मैंने तो भाई जिम जाते वाते खा लिया वहाँ पे जो मिल रहा था, बट अजय भाई ने एक चीज़ नहीं खाई। वो बोलता रहा कि मंगाता हूँ और पूरा टाइम खत्म हो गया। अजय ने मंगाया नहीं, अजय बोला खाना वाना ठीक है पहले बॉडी बनाते हैं। तो डेडिकेशन सही नहीं है तो भाई अजय से सीख लो। बाकी यार अपने भी 63,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो यार थैंक यू सो मच फॉर दैट। और यार अगर तो तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो यार, लाल वाला बटन दबा दो, मज़ा आ जाएगा। इसके बाद वहाँ पे खाना वाना ठूस के थोड़ी फोटो वोटो खिंचवा के हम निकल गए वहाँ से बाहर, हम चले गए स्टारबक्स। अब स्टारबक्स का तुम्हें पुरानी वाली स्टोरी तो पता होगी अजय हरमन और यश की। इन्होंने बोला यार भैया वहाँ पे फोटो बहुत अच्छी आती है, ठीक है कॉफ़ी वॉफी किसी को पीनी नहीं है बट फोटो लेने चल लेते हैं। हम वहाँ पे फोटो लेने गए और फिर वहाँ से हमने कर दिया सबको अलविदा बारी बारी, और हमें कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिले जो हमारे जापान से आए थे। थैंक यू सो मच यार उमंग भैया, काफ़ी मज़ा आया मिलके। एंड ऐसे ही फिर आओगे तो फिर से मिलेंगे। सर आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कोडिंग निंजास के बारे में, और सबसे पहले यार 20% ऑफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। काफ़ी दिन से 15 चल रहा था, मैंने बोला यार थोड़ा और कर लेते हैं, मतलब 15 से ऊपर उठो 20 देते हैं, तो
तो 20% ऑफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। और यार अगर तुम कोडिंग निंजाज को नहीं जानते हो तो कोडिंग निंजाज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इन इंडिया। जहाँ पर टीचर्स हैं यार वो तुम्हारे स्टैनफर्ड IIT ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने अमेजोन फेसबुक जैसी कंपनीज में काम किया हुआ है, एंड कोर्स यार बहुत सारे हैं, तुम जो बोलोगे मिल जाएगा। एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, DSN, जावा, C++, पाइथन, सब कुछ तुम्हें अवेलेबल है। एंड यार अगर तुम कोई कोर्स कर रहे हो तो एक दिक्कत तो आती है, डाउट वगैरह तुम्हें आ जाते हैं। अब डाउट्स के लिए यार यहाँ पर 200+ हिंट वीडियोज़ हैं C++ वाले कोर्स में। एंड यार मैंने भी अपने सेकंड ईयर में ना C++ वाला कोर्स ही किया था। उसके अलावा यार अगर तुम्हारा डाउट फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो यार TA सपोर्ट तो है ही, 3 से 4 घंटे के अंदर तुम्हारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो यार 20% ऑफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। तो अब रिसेंटली तुमने देखा होगा यार रेजिग्नेशन हर तरफ चल रहा था। हमारे दो भाई लोगों ने, ठीक है, एक शशांक सर जिनका चैनल है e-learning bridge, रिसेंटली Amazon छोड़ी, एंड उनके साथ लव भैया का तो तुम लोगों को पता ही है, ठीक है, उसमें तुम्हारे भाई ने एक cameo भी किया था जो वीडियो तुमने देखी होगी। तो हमारा एक प्लान बनता है क्योंकि हमारे शशांक सर दिल्ली आ रखे थे, उनकी कंपनी में थोड़े काम वगैरह करने थे तो दिल्ली आए थे। अब यार उन्होंने बताया तो नहीं है दोनों ने कि कौन सी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, तुम जाके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। अगर किसी बंदे ने दोनों का सही जवाब दे दिया ना तो उसको कुछ स्पेशल घर पर डिलीवर होने वाला है, ठीक है, उसके मज़े आ जाएंगे। तो ट्राई करो नीचे जाके, मज़ा आएगा तुम्हें। तो बस फिर अगले दिन क्या ये वाला प्लान खत्म हुआ, अगले दिन नया प्लान बन गया, हम पहुंच गए DLF साइबर हब, और फिर वहां पे जाके हमने बातचीत करी, काफ़ी चीज़ें करी, वो तुम देखो अब। हेलो सर, मुड़ने बड़ी दिक्कत हुई, पता नहीं किस बिल्डिंग में घुस गया गाड़ी लेके, उसके बाद में यहाँ पे आए। मैं कल आया था, कल मैं सूत्र ही आया था। सही है सर, ऑरेंज जूस। चीयर्स टू ऑरेंज जूस, फन जूस। सर अपने इतने साल काम किया, कुछ लर्निंग्स बताओ मैं एक आधी। लर्निंग्स में तो जैसे स्पेसिफिकली अगर जैसे बोलने वाली चीज है ना कि स्टार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, स्टार्ट मतलब चाहे तुम कर रहे हो, ठीक है, पापा रहे थे, ठीक है, तो सबको पता है स्टार्ट कितना इम्पोर्टेंट है, ये स्टार्ट से ही मिल गया तो सॉर्टेड है। एंड मेन लर्निंग मेरी ये रही कि अपनी विजिबिलिटी कंपनी में तुम्हें खुद बनानी है, ठीक है, चाहे जहाँ भी जाओगे, ठीक है, अगर बैठ के इंतजार करो, हाँ आज मैनेजर अच्छा ये असाइन कर दिया, ये असाइन कर दिया, वो हो गया, तो फिर मतलब तुम ना एक बहुत दिखाया हुआ पाथ फॉलो करो। तो अपनी विजिबिलिटी बनाने का मतलब अपने इनोवेटिव आइडियाज को सब करना, ये सब करना। तीसरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, पैसा भी बहुत जरूरी है, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कहीं, क्योंकि होता है कंपनियां जब आप प्रेशर होते ऑब्वियसली स्विच की इतनी नॉलेज तो होती नहीं, मेरे साथ भी हुआ है, सो वही पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कंपनी यहाँ कुछ कुछ तो ऐसे बता दिया, अच्छा ये पैसा ये पूरा इतना इतना, मुझे तो लगा हो बहुत बड़ा अमाउंट है। आई वॉज लाइक कि जब, बट ये सब चीज़ें पता लगती हैं जब आप कंपनी में एक्चुअली जाते हैं, जब सर्विस सेंटर देखती है, अरे यार ये क्या है, पैसा तो बहुत बता है। तो ये सब चीज़ें तो ये चीज है, मैंने तो 12 से डिवाइड कर दिया, 12 से डिवाइड करके ज्यादा, 12 से मत कर देना गलती से, 15 16 17 से करो। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो भी नए बंदे ज्वाइन कर रहे हैं कि जो भी काम कर रहे हो ना उसको ऐसे मत बोल देना कि सर मैंने ये काम कर दिया, ना ना ना, आपने कितना एफर्ट मारा है, क्या क्या कर रहे हैं, क्या डिस्कवरी थी, पूरा ऐसे बताना कि तुमने बहुत कुछ कर दिया है। ये अगर हो सोचो कर दिया था कर दिया, नहीं ये नहीं होता, आपने काम करा दिखाओ कि मैंने बहुत सारा, आपने भले चम्मच यहाँ उठा के यहाँ ही रख दिया वापस, बट दिखाओ ऐसा कि टेबल सारे इकट्ठे करके बाहर फेंक दिया, ऐसे दिखाना होता असली अपने, और सब ऐसे ही करते हैं। डिप्लोमेसी भी सीखनी पड़ेगी, बट इतना भी नहीं है कि बहुत ही पॉलिटिक्स खेलने लग जाओ खुद में ही, मतलब खुद भी ग्रो नहीं कर रहे हो, उससे नुकसान तुम्हारा ही होगा ना। क्या मैनेजर ने दी तुम्हें, अब यार तुमने तो 5 दिन का काम है, तुम 20 दिन तो लगाए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, बट मेन ये है कि अपनी ग्रोथ अपने हाथ में है, ठीक है, अपना ग्रोथ चाहे हो गई कॉम्पनसेशन की, टेक्निकल स्किल्स की हो गई, ठीक है, 15 तारीख को आ रहा है और बहुत मेहनत चल रही है, और हर वीडियो 1 घंटे से ऊपर की बनाई है, कल तो शूट करके 3 घंटे से ऊपर आ गया, कोर्स आने वाला है, मजा आने वाला है, इसके साथ एक और कोर्स आने वाला है, ये एक और है, आगे दो और हैं, बहुत सारे सरप्राइज हैं, पर स्टार्ट इससे कर रहे हैं, मजा आ रहा है, मिलते हैं। तो फिर अभी हमने एक आदमी को पकड़ के, भैया को पकड़ के फोटो लिया, तो फोटो लेना यार बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे जो भी आ रहा है ना, दो लोग आ रहे हैं कपल, तो ऐसे बोलना कि
फोटो ले दो थोड़ा अच्छा लगता। लड़के ईगो पे ले लेंगे ना यार तुम, देख तो लो किसके साथ आ रहा हूं मैं। नहीं ऐसा अभी लग रहा था कि यहां पे मतलब कपल ही आ गए, लड़के तो दिख नहीं रहते वैसे। ये हम ही है तीन। बहुत आइसोलेटेड सा फील हो रहा था कि क्या हो रहा है ये। एक चीज और थी, उन्होंने जिस परफेक्शन का फोटो लिया हां ईशान के, उसके बाद नहीं 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 ईशान से नहीं होने वाला था वो। बड़ी सही फोटो ली है, मजा आ गया। छोड़ छोड़ रहे हैं ये सब फोटो वोटो लेना, अब हम चाय पीने जा रहे हैं। चलो खाली चाय कल बोल। चलो सर मिलते हैं। चलो बाय 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 ब्रो। तो गले मिल लो, ये तो अभी व्लॉग बना रहा है। चलो सर ओके, जल्दी मिलेंगे फिर से। बाय बाय। सर वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया था, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, तुमने अब तक नहीं किया है तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो भाई, कर दिया करो यार सब्सक्राइब, मज़ा आ जाता है। ठीक है, इतना ही था यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।